हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आप लोग का? लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है अभी, और लॉकडाउन में भी घर पे पढ़ने की एक लगातार कोशिश चल रही है, बच्चों की समस्या भी चल रही है। बच्चे लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करी जाए, एग्ज़ाम का पीरियड आने वाला है और हमारी ऑब्वियसली जो इस वक्त कंट्री की हालत है उसके अंदर आप क्लासेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से, जो अपना जेक का चैनल है, कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकें। साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो भी चल रही हैं, उसके साथ साथ हम लोग इसको भी कंटिन्यू करेंगे। जो आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं उसको दोबारा आप इस पर भी रिविजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्लास में नहीं भी हैं तो भी उन बच्चों के लिए भी जो क्लास नहीं कर रहे हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्बल एबिलिटी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन का। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि प्रीपोजिशन पे एक वीडियो बनाया जाए, प्रीपोजिशन पे एक क्लास हो, जिससे कि हमें पता लगे। और प्रीपोजिशन का बहुत सारी जगहों पे यूज़ है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। अगर आप देखोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, एरर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके क्लॉज टेस्ट में आ जाता है। तो प्रीपोजिशन का जो रोल है वो मल्टीपल जगहों पे है हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चाहे जितने भी एग्जाम्स हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, सभी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन का ही टॉपिक करेंगे। आप लोगों को हम डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है और प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे कैसे है। तो देखो, प्रीपोजिशन नाम से ही काफ़ी कुछ पता लग रहा है। अगर आप देखोगे, मैं आप किसी नाम देखोगे तो प्री और पोजिशन बस इतना ही है, और इसी से आपको इसकी डेफिनेशन का भी अंदाज़ा लग जाता है। प्री, यू नो, प्री की मीनिंग क्या होती है? प्री मीन्स पहले, पोजिशन ऑब्वियसली उसकी पोजिशन, उसकी जगह बताता है। तो प्री पोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो जनरली किसी शब्द से पहले आएगा। नाम से ये लग रहा है, तो किस शब्द से पहले आएगा या किससे पहले आएगा ये समझने की बात है। तो जनरली अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और क्या करता है, उसका रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे हिस्सों से। सेंटेंस में जो दूसरे शब्द हैं, दूसरे वर्ड्स हैं, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को जो बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और जनरली कहाँ आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये डेफिनेशन यहाँ से आई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से ये नाम रखा गया है। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के बाद भी आता है, कई बार पूरे सेंटेंस के एंड में भी आता है, सेंटेंस के आखिर में भी आता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन हमेशा पहले आएगा, लेकिन हाँ, चूंकि जनरल डेफिनेशन जब हम देते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग इसकी बात करेंगे कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और क्या बताएगा, और उसके रिलेशन को बताएगा सेंटेंस के दूसरे हिस्सों से। ठीक है जी, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन प्रोनाउन एंड टेल्स इट्स रिलेशन विद द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस ठीक है ना, ये बात क्लियर है? तो ये तो हो गया कि प्रीपोजिशन कहते हैं किसे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रीपोजिशन कितने टाइप्स का हो सकता है। तो देखो जी, एक तो आपका नॉर्मल सिंपल प्रीपोजिशन होगा। अच्छा, लोग टाइप्स और ये जो थ्योरी है ये आपके समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी भी कि कितने टाइप का है या टाइप से क्या लेना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप का प्रीपोजिशन होता है। तो सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा आप देख सकते हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशन,
एक तो सिंपल प्रीपोजिशन हो गया, आपका जो बेसिक प्रीपोजिशन है इन है, एट है, ऑन है, अप है, ऑफ है, ये सारे जो प्रीपोजिशंस हैं ये क्या होंगे, आपके सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस किसे कहेंगे? कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे हम जो प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा प्रीपोजिशंस को मिलकर, एक से ज़्यादा सिंपल प्रीपोजिशंस को मिलकर के बनाए, ठीक है, उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। फिर उसके बाद आता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये काफी इज अ वंडरफुल थिंग ऑफ प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजेस के तौर पे जो एक बनता है प्रीपोजिशन, उसे हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू, और इस तरह की जो चीजें होती हैं इसे हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन में रखते हैं। चौथा जो है आपका, इसको भी हम लोग अलग से देखेंगे। ये मेन पार्ट्स अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन है, लेकिन हम लोग अलग से एक डिस्कशन रखते हैं जनरली पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन का। पीछे की क्लास में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि पार्टिसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन फाइनाइट्स के अंदर हम लोग डिस्कस किया था पार्टिसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल का डिस्कशन किया था। तो उसमें एक चीज मैंने बताई थी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका बहुत सारा यूज है, कई जगह हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज करते हैं, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, मे बी अगर इसी वीडियो में पॉसिबल हुआ तो इसी में पढ़ लेंगे उसको, अदरवाइज दूसरे वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में कैसे हम लोग उन पार्टिसिपल्स को, जनरली प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट आईएनजी फॉर्मेट, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पर कैसे यूज करते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कशन में रखेंगे। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया आपका, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ये चार प्रीपोजिशन के टाइप्स हम लोग जनरली देखते हैं। आपने एक और चीज पढ़ी होगी, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ, वो एक अलग चीज है, मतलब वो तो ठीक है ना कि हमने किस पर्पस के लिए यूज किया उस प्रीपोजिशन को, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया है या प्लेस को बताने के लिए यूज किया है या टाइम को बताने के लिए यूज किया है, वो एक अलग डिस्कशन है, वो पार्ट में नहीं आएगा। वो ऑब्वियसली उसके जो डिफरेंट यूजेजेस हैं, जो फंक्शनल यूज है उसका, उसके उसका डिस्कशन होगा वहां पे, लेकिन जो टाइप्स हैं वो मैक्सिमम सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन रखते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत यूज है, फ्रेजल प्रीपोजिशन इज वंडरफुल थिंग फॉर योर लिटररी इंपॉर्टेंस, इट हैज गॉट लिटररी इंपॉर्टेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए कि इसके अंदर जब आप फ्रेजल प्रीपोजिशन जब आप यूज करना शुरू करते हैं, योर लैंग्वेज बिकम्स ब्यूटिफुल। तो इसीलिए फ्रेजल प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में भी आएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन का काफी कुछ। तो ये आपने देख लिया कि ये टाइप कितना क्या है और डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग जो प्रीपोजिशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि उसका यूज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और बच्चे वहां परेशान होते हैं कि भाई यूज कैसे किया जाए, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन को ज्यादा रखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा हम लोग उस डिस्कशन को ज्यादा रखेंगे कि यूज कैसे है अलग अलग प्रीपोजिशंस का, और हम लोग उन प्रीपोजिशंस को भी करने की कोशिश करेंगे जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है, यानी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला करें या ये वाला करें, इसको यूज करना है या इसको यूज करना है, दोनों एक जैसे लग रहे होंगे। तो उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे यूज के बेसिस पे। तो एक देखते हैं इन एंड इन टू। इन और इनटू क्या डिफरेंस है दोनों के यूज का, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो जनरली जब मैं बच्चों से पूछता हूं अक्सर, तो बहुत सारा ये हमारे पास आता है आंसर कि सर इन जो है ना वो स्टैटिक है और इनटू जो है वो मूवमेंट वाला है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये इन और इनटू का जो यूज है वो क्या कहते हैं कि इस पर डिपेंडेंट नहीं है, मोशन और स्टैटिक पे, इसका मामला कुछ और है। तो क्या है इन और इनटू के यूज में, आप कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? इन, एक बात समझिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, मैंने कहा कि ही इज रनिंग इन द क्लासरूम एंड ही इज रनिंग इनटू द क्लासरूम, व्हाट इज द डिफरेंस? यहीं से आपको समझ आ जाएगा पूरा जो इन और इनटू का जो डिफरेंस है वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि He is running in the classroom when I say, it means के वो क्लास के सराउंडिंग, क्लास के बाउंड्रीज के अंदर दौड़ रहा है, within the four walls of the classroom, right? तो वो he is running in the class,
क्लासरूम, और जब मैंने कहा ही इज रनिंग इनटू द क्लासरूम, या आई फाउंड हिम रनिंग इनटू द क्लासरूम, आई सॉ हिम रनिंग इनटू द क्लासरूम, तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो अब ये क्या बाहर अंदर का चक्कर है इन इनटू में, या कुछ और है? तो आप इसको समझिए, अगर सेम प्लेस स्टेट मीडियम एक्सेट्रा की बात करेंगे, एक ही जगह, यहां स्टेट वो देश वाला स्टेट नहीं है, स्टेट अवस्था वाला जो लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट वाला होता है ना, तो एक ही जगह एक ही अवस्था एक ही मीडियम की अगर बात हो रही हो तो हम लोग इनका यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वन प्लेस स्टेट मीडियम एक्सेट्रा टू अनदर, टू अदर, ठीक है, टू अदर, एक जगह एक स्टेट एक मीडियम से दूसरे जगह दूसरे स्टेट दूसरे मीडियम की अगर बात कर रहे हैं, तो वो आपका जो होगा वहां पे हम यूज जो करेंगे वो इनटू का यूज करेंगे। और इसके हम लोग अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो वही जो मैंने बताया कि हमने कहा कि ही इज रनिंग इन द क्लासरूम, इन द रूम, ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहां पे मतलब हो गया कि उस रूम के अंदर वो दौड़ रहा है। और मैंने कहा कि आई फाउंड हिम रनिंग इनटू द रूम, तो यहां पे जब इनटू का हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ दौड़ के आ रहा है वो। उस तरीके से और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर मान लें आप एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग के द आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, ठीक है ना, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। तो यहां जो इनटू है ये स्टेट के चेंज का है, अवस्था के चेंज का है, ठीक है ना, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आइस एक स्टेट है सॉलिड स्टेट है, वाटर लिक्विड स्टेट है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के में जो चेंज आ रहा है उसकी जब बात करते हैं तो आइस मेल्ट्स इनटू वाटर ये आपका मिलता है, ठीक है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था की बात हो रही है, ठीक है, ये आपका। अच्छा एक तो कभी कभी आता है कि द चाइल्ड फेल, अब जैसे लिखा है, मैं एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, द चाइल्ड या और थोड़ा इसको और अलग करते हैं, टू चिल्ड्रन फेल द वेल, ठीक है जी, ये एग्जाम्पल देखिएगा, टू चिल्ड्रन फेल दैट वेल, कोई वेल था उसमें। अब यहां पे आपसे पूछा जाए इन या इनटू, इन या इनटू, तो बताएं क्या होगा, तो क्या होगा यहां पे, इनटू, ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, इनटू, बिकॉज बहुत सिंपल है कि ऊपर से नीचे वो कुएं में गया, किसी दूसरे स्पेस में गया, पहला ऊपर एक अलग स्पेस पे था, वो लैंड पे था, ठीक है ना, नीचे जब गया तो वो कुएं में चला गया, ठीक है, तो इसलिए वो मूवमेंट जो वहां से है उसको दिखाने के लिए इनटू का यूज करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह गया है वो, तो इसलिए हम लोग वहां पे इन का इस्तेमाल नहीं इनटू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देख रहे हैं आप इन और इनटू का यूज है इस तरह से। और भी हम लोग जब शीट्स को डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोस में, हम लोग कुछ शीट्स भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उसमें भी कई सारे इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे, उसकी बात करेंगे। तब अब एक बार देखते हैं अगला।
एक जो डिस्कशन है वो है ऑन या अपॉन। अब जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, कई बार बच्चे इस तरह से डिस्कस करते हैं, सर ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, अपॉन का मतलब उसके ऊपर। अब ये समझ गया बात कि किसी चीज के पर और उसके ऊपर, सो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी मीनिंग में मत जाइए कि पर और उसके ऊपर, इस चक्कर में मत पड़िए, हिंदी मीनिंग में मत पड़िए। आप समझिए कि इसका यूज कहाँ करेंगे हम, ऑन का यूज कहाँ पे है, अपॉन का यूज कहाँ पे है। क्या हमेशा किसी चीज के ऊपर चढ़ करके रहेगा तभी ऑन यूज करेंगे, या कुछ और भी है इसका रेफरेंस? तो इस बात को समझ लेते हैं। ऑन का यूज जो है वो जनरली जब किसी चीज, कोई सरफेस की बात होती है, किसी सरफेस पे कोई चीज है, अब वो सरफेस आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस भी हो सकता है और वर्टिकल सरफेस भी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। और इन कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, उस सरफेस से कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी चीज के ऊपर है तो भाई ऊपर का तो मतलब फैन भी ऊपर है ना, तो वो फैन के ऊपर वाला सेंस नहीं लेंगे यहाँ पे हम। जब लेंगे जब किसी चीज के कांटेक्ट में, जैसे ग्लास आपने टेबल पर रखा है अगर, तो वो जो है द ग्लास इज ऑन माई टेबल, वो आप कह सकते हो, बिकॉज वो उसके ऊपर सरफेस पे है और इन कॉन्टैक्ट ऑफ दैट सरफेस है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उस तरीके से आप एक एग्जाम्पल देखिएगा यहां पे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस की मैं बात कर रहा था, वर्टिकल सरफेस में भी, जैसे मैंने कहा कि प्लीज हैंग द फोटो फ्रेम, प्लीज हैंग दिस फोटो फ्रेम ऑन दैट वॉल, प्लीज हैंग दिस फोटो फ्रेम ऑन दैट वॉल, तो वो तो सरफेस तो वर्टिकल है लेकिन सरफेस है, और जो फोटो फ्रेम जाएगा कहां जाएगा, उसके सरफेस के कॉन्टैक्ट में जाएगा, एंड दैट इज वाई वी विल यूज ऑन, ठीक है ना। तो वहां पे जो आप यूज करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, प्लीज हैंग दिस फोटो फ्रेम ऑन दैट वॉल, ठीक है ना। फिर आप द बुक इज ऑन दैट टेबल, तो ये तो ऑन का यूज हो गया। अपॉन का क्या है? अपॉन के लिए दो चीजें हैं, दो चीजें हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि जो बहुत जेनेरिक है, कि जो थोड़ा मूवमेंट के साथ किसी चीज के ऊपर जाए या मूवमेंट शो करता हो ऊपर जाने में, तो हम लोग उसके लिए अपॉन यूज कर लेते हैं। ये जनरली आपने बचपन से पढ़ा है कि द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, आपने पढ़ा है द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, और वो मूवमेंट को शो कर रहा है चुके, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए वहां पे वो यूज किया। तो एक तो वो हो गया कि किसी चीज के ऊपर, गेटिंग ऑन द सर्फेस, गेटिंग ऑन द सर्फेस यहां पे, लेकिन सर्फेस पे कैसे है, ऑन अ सर्फेस लेकिन कैसे है, स्टैटिक है, ठीक है ना, कैसे स्टैटिक है ना। यहां पे गेटिंग ऑन सर्फेस मोशन की बात करेगा, मूवमेंट की बात करेगा, मोशन के साथ है। एक तो ये यूज है। दूसरा एक जो लिटररी यूज है इसका, जो लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है, अच्छी लैंग्वेज आप लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो जब ज्यादा फॉर्मल तरीके से हम बात कर रहे हैं, ज्यादा फॉर्मल हम उस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, तो कई बार अपॉन का यूज कर लिया जाता है इन प्लेस ऑफ ऑन, फॉर्मल वे ऑफ यूजिंग ऑन। ये भी है कि जब कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा फॉर्मल तरीके से यूज करना चाहते हैं ऑन को, जैसे मैंने कहा ओके डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑन दीज डिफरेंस ऑफ थॉट्स, अब इसको ज्यादा फॉर्मल तरीके से बोलना है, तो हम कहेंगे ओके वी विल डिस्कस अपॉन द डिफरेंस ऑफ थॉट्स इन आवर नेक्स्ट मीटिंग।
तो ये ज्यादा फॉर्मल तरीका हो गया उसी बात को कहने का। कई जगह इसका इस्तेमाल लिटरेरी यूज में लाया जाता है। तो ये तो आपका समझ आ रहा है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिख लेते हैं। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ठीक है। ठीक है, ये इतना समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा था पहले भी एक दो बार, एट एंड टुवर्ड्स का क्या डिफरेंस है? एट एंड टुवर्ड्स का क्या डिफरेंस है बताइए, सोचिए। मैं एट एंड टुवर्ड्स का डिफरेंस समझ लीजिए। एट जो है ये टारगेट को शो करता है। आपने किसी के ऊपर पत्थर मार दिया तो टारगेटेड है, वहां पे एट यूज करेंगे। आई फाउंड यू थ्रोइंग अ स्टोन एट हिम, आई फाउंड यू थ्रोइंग स्टोन्स एट द डॉग, ठीक है। और टुवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। एक और हम लोग टुवर्ड्स का यूज अभी हम लोग पढ़ेंगे। टुवर्ड्स का एक डिफरेंस माइन्यूट सा है जो दूसरे प्रीपोजिशन के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहां पे ये टारगेट और डायरेक्शन का है, ठीक है ना। तो ही थ्रो स्टोन्स एट द पुलिस टीम, ठीक है ना। तो यहां पे एट जो है बिल्कुल आपने टारगेटेड पुलिस को मारा पत्थर, तो गलत बात की आपने। वो जो एट है वो यहां पे एट यूज किया हमने। हमने कहा कि देव अब इसी थ्रो को ही ले लेते हैं। दे वर थ्रोइंग स्टोन्स टुवर्ड्स दैट बिल्डिंग, ठीक है। और बड़ा यूज है इसका, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट एंड टुवर्ड्स में डिफरेंस। मान लीजिए कि आप गवाही दे रहे हो कहीं पे कोर्ट में, और आपने कहा यस आई 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 सॉ देम थ्रोइंग स्टोन्स एट दैट प्लेस या एट दैट पुलिस टीम एट दैट बिल्डिंग, तब तो आपकी गवाही बहुत स्ट्रांग होगी। आपने गवाही दी कि आई सॉ देम थ्रोइंग स्टोन्स टुवर्ड्स द पुलिस टीम टुवर्ड्स दैट बिल्डिंग, तो गवाही का रुख बदल गया, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि उनके ऊपर मारा कि नहीं मारा, उधर मार रहे थे, हो सकता किसी और को मार रहे हो, ठीक है ना। तो टुवर्ड्स सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है, उस टारगेट की बात नहीं करता है। उस तरीके से एक यूज और है जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ये समझ आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। एक और टुवर्ड्स के साथ डिफरेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक होता है टू और एक होता है टुवर्ड्स। अब ये जो है ना कोई चीज जो कहीं जा रही है उसकी बात कर रहे होंगे। हमने कहा कि अगर आपको पता है कि ये वाली ट्रेन मुंबई जा रही है, राइट, तो आप कहोगे दिस ट्रेन इज गोइंग टू मुंबई। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि ये ट्रेन मुंबई जा रही है, बट ये पता है कि उसी रूट पे जा रही है, अब हो सकता है मुंबई ही जा रही हो सकता है मुंबई नहीं जाकर के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद रुक जाए, सो यू आर नॉट श्योर अबाउट द डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो अगर डेस्टिनेशन का आपका पता है तो यू विल यूज टू, और डेस्टिनेशन नहीं पता है डायरेक्शन पता है देन यू विल यूज टुवर्ड्स, ठीक है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं सवाल कि सर पता कैसे लगेगा कहां टू यूज करना कहां टुवर्ड्स यूज करना अगर एग्जाम में आ गया तो। सर एग्जाम में आएगा तो जरूर रेफरेंस यू विल बी गिवन, यू विल हैव दैट रेफरेंस जिससे आपको पता लगे कि दिस सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उस दैट सेंटेंस इज
डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्शन और डेस्टिनेशन. वो कुछ ना कुछ रेफरेंस उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ सेंटेंस दिया होगा, तभी आपको वो पूछेगा कि भैया इसमें टू या टू वर्ड्स भरो. ठीक है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा वो तभी आएगा जब ये रेफरेंस आपका उस सेंटेंस से पहले पैसेज में क्रिएटेड हो. क्लॉज टेस्ट जो आता है, तो क्लॉज टेस्ट के अंदर ये ऐसा हो सकता है कि रेफरेंस पहले से ही दिया हुआ है कि भैया उसको नहीं मालूम है कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, बट उसको ये पता है कि आगे वहां तक जा सकती है, उस रूट पे जा रही है. तो आपको क्लॉज टेस्ट में ये पता होता है, ऊपर लिखा होता है क्लॉज टेस्ट में पूरी चीज, जब तो वहां पे आपको पता होगा कि हमें डायरेक्शन की बात हो रही है सेंटेंस में या डेस्टिनेशन की बात हो रही है. तो डेस्टिनेशन के रेफरेंस में आप यूज करेंगे टू और डायरेक्शन के रेफरेंस में यूज करेंगे टुवर्ड्स. ठीक है, दिस ट्रेन इज गोइंग टू मुंबई. ठीक है, इफ यू आर, देखिएगा मैं इसी को तो आप बनाता हूं जिससे आपको रेफरेंस समझ आ जाए. इफ यू आर अनेबल टू कैच अ ट्रेन या इफ यू आर अनेबल टू कैच दिस ट्रेन you can get into another train which is going towards, abhi yahan towards मुंबई. तो चूंकि आपको ये ट्रेन अगर बाय द वे नहीं मिलती है तो फिर उस केस में क्या करेंगे आप कोई दूसरी ट्रेन पकड़ना चाहेंगे जो मुंबई की तरफ जा रही हो. सकता है कि वो मुंबई नहीं जा रही हो, लेकिन चूंकि आपको जाना उस साइड है तो आप उस तरफ जा रही है, तो आप उस ट्रेन को देख सकते हैं. ठीक है जी, तो ये टू एंड टुवर्ड्स का डिफरेंस है, इसको भी आप देख लें और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी कुछ. एक और है, अक्रॉस एंड थ्रू. ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्रॉस का यूज कई सारा है एक्चुअली, तो इसको भी देख लेते हैं कि अक्रॉस का यूज कैसे करेंगे, थ्रू का यूज कैसे करेंगे. तो देखो, अक्रॉस जब यूज करते हैं ना, तो हमेशा हम अक्रॉस का यूज करते हैं जब हम वन एंड टू अनदर की बात करते हैं, इस छोर से उस छोर, इस एंड से उस एंड की जब बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे अक्रॉस की. तो एक तो वन एंड टू अनदर. दूसरा जो यूज करते हैं इसके अंदर, वो करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आई रैन अक्रॉस द रोड. ठीक है, नॉर्मल है, सड़क के इस किनारे से भाई ये सड़क थे, हम इधर से इधर दौड़ के चले गए, तो ये क्रॉस द रोड हो गया. एक और चीज हो सकती है, आई सॉ माय फ्रेंड्स अक्रॉस द रोड. अब ये क्या है, ये सड़क है, मैं यहां खड़ा हूं, यहां मैंने अपने दोस्तों को देखा भी, तो क्या हो गई है, मैं इस एंड पे हूं तो इस एंड पे मैं गया नहीं, बट आई सॉ देम अक्रॉस द रोड, दूसरे एंड पे मैंने देखा, तो यहां पे भी अक्रॉस लग गया. ठीक है जी, फिर अब जैसे मैं दौड़ के गया, अगर उसकी जगह स्टैटिक भी कोई चीज बनी हुई है, एक ब्रिज, इस एक फुटओवर ब्रिज बना हुआ है इस रोड के अक्रॉस, तो भी बना सकते हैं, अ फुटओवर ब्रिज must be built
अक्रॉस दिस रोड, अक्रॉस दिस बिजी रोड, है जी। तो ये जो है कि इस पार से उस पार कोई चीज आप बना रहे हो स्टैटिक, तो भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो अक्रॉस दिस रोड। तो ये तीन यूजेस आप देख सकते हो, एक कि इस एंड दूसरे एंड पे जाना, उसके लिए भी हम अक्रॉस का यूज कर लेते हैं। जब हम इस एंड से दूसरे एंड पे कोई चीज देख रहे हैं, उसके लिए भी हम अक्रॉस द रोड का यूज कर सकते हैं, अक्रॉस दिस। अब देखोगे कि जैसे मान लो कि मैं गया किसी इंटरव्यू देने के लिए किसी जगह पे, तो मैंने इंटरव्यू रूम में जब मैं एंटर होता हूं, तो मैंने देखा आई आफ्टर एंटरिंग या ऑन एंटरिंग द इंटरव्यू रूम आई फाउंड माय ओल्ड फ्रेंड अक्रॉस द इंटरव्यू टेबल, अक्रॉस द टेबल नॉट इंटरव्यू टेबल, अक्रॉस द टेबल, ठीक है। तो वो उस पार था, अगेन मैं ही सेंड पे रहूंगा ऑब्वियसली, जब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो, और जो इंटरव्यू करने वाला होगा बंदा हमारा वो उस एंड पे होगा, तो आई फाउंड माय ओल्ड फ्रेंड अक्रॉस द टेबल, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक रोड है और उसके अक्रॉस कोई चीज बनी हुई है, तो अक्रॉस द रोड उसका ब्रिज जो बना हुआ है उसको मैं बोल सकता हूँ, रिवर के अक्रॉस भी बनता है ब्रिज तो उसके लिए बोल सकता हूँ, है ना। तो वो ये चीज हो जाती है। तो फिर आता है सवाल कि भाई अक्रॉस तो हमने देख लिया वन एंड टू अनदर, वन एंड टू अनदर, या फिर ऑन द अदर एंड, ये दोनों ही केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, वन एंड टू अनदर पे भी यूज कर सकते हैं और ऑन द अदर एंड पे भी यूज कर सकते हैं। तो थ्रू का यूज कहां करेंगे? थ्रू का यूज दो है, एक तो अगर किसी चीज में आप बिल्कुल मिल करके जा रहे हो, कैनल के थ्रू जा रहे हो, ठीक है ना, उसमें घुस करके उसके अंदर शामिल होकर के आप किसी चीज को क्रॉस कर रहे हो, तो उसके लिए आप थ्रू यूज कर सकते हो, एक तो वो हो जाता है। और दूसरा जो है वाया मीडियम, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि आई गॉट टू मीट दिस एक्टर, I got to meet this celebrity through one of my friends, ठीक है। तो वहां पे वो वाया वाला मीडियम वाला है ना हिसाब, तो उसके लिए अदरवाइज आप जैसे मान लो कि ये एक टनल है, इस टनल के अंदर से आप जा रहे हो, तो इसके लिए भी आप थ्रू का यूज करते हो। हालांकि कई जगह ये वाले सेंस में जहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे थ्रू के साथ साथ अक्रॉस भी यूज कर सकते हैं, स्वयं अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, स्वयं अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो वहां पे अक्रॉस भी यूज किया उसने, हालांकि स्विमिंग करी है चैनल में, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। लेकिन जब जैसे मान लो कोई टनल है उसके अंदर जा रहे हैं, उसको क्रॉस किया हमने, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं थ्रू का, ठीक है। यहां पे एग्जांपल लिख देते हैं, आई मेट दिस फेमस एक्टर थ्रू one of my old friends, yeah, one of my friends, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमने through का जो use किया है वो ऐसे use किया है। तो कई बार बच्चे across और through में थोड़ा सा confused होते हैं, तो उस confusion को clear करने के लिए ये आपके सामने है, इससे आपको clarity मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह के काफी सारे सेट्स हम लोग करने हैं प्रीपोजिशन के, इसमें हम लोग देखेंगे कि कहां पे क्या यूज करना है। एक और हम लोग साथ साथ अभी देख लेते हैं, एट और इन, ये बहुत ही पुराना, बचपन से आप लोग ये सीखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक क्लैरिटी जरूर रखिएगा। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि एट छोटी जगह पे और इन बड़ी जगह पे, ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, इस बात को थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी के साथ समझना है कि छोटी बड़ी का मतलब क्या है। तो एट जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन की बात करता है और इन जो है वो जनरल लोकेशन की बात करता है, इसीलिए मतलब इसको समझिएगा, जैसे अब गांव है, गांव बहुत छोटा सा है, लेकिन व्हेन आई एम सेइंग कि आई लिव इन अ विलेज, तो मैं इन के यूज कर रहा हूं, बड़ी छोटी की बात नहीं, छोटा सा होता है ना गांव शहर के मुकाबले, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं, आई लिव इन अ विलेज। तो यहां पे जब मैं आई लिव इन अ विलेज बोलता हूं, तो विलेज इज, विलेज बिकम्स अ जेनरिक लोकेशन, जनरल लोकेशन बन गया। तो जब जनरल लोकेशन बन गया तो वहां इन हमने यूज कर लिया, ठीक है। मैंने कहा कि आई लिव एट 10
वीके रोड, ठीक है, तो यहां पे स्पेसिफिक लोकेशन बन गया। मैंने कहा आई लिव एट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इन न्यू दिल्ली, तो अब यहां पे जो न्यू दिल्ली है वो जेनेरिक लोकेशन बन गया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन बन गया, ठीक है ना। आप मान लो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर कोई सर्कुलर पार्क है, तो मैं उसको आगे बताऊंगा कि सर्कुलर पार्क वाले साइड में रहता हूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि आई लिव एट सर्कुलर पार्क, या एक्चुअली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अशोका पार्क है तो हम वहां का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आई लिव एट अशोका पार्क इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, आप ऐसे बोल सकते हो। तो वो इस तरीके से आप बता सकते हो इस पूरे पूरी बात को, एट और इन के यूज को, कि एट जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन की बात करता है और इन जो है वो जनरल लोकेशन की बात करता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस जरूर आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आई लिव एट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो ये एट जो है बिकॉज ये स्पेसिफिक लोकेशन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, और इन क्यों, चुके यहां पे जेनेरिक लोकेशन न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसको। दूसरा हम देख सकते हैं कि मैंने कहा ही लिव्स एट तिकोना पार्क इन, मान लो जामिया नगर, ठीक है। तो तिकोना पार्क स्पेसिफिक लोकेशन हो जाता है, इसलिए ऐड करेंगे, और तिकोना पार्क के कंपैरिजन में जामिया नगर जेनेरिक लोकेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग इनका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हिलिप्स एट तिकोना पार्क, अगेन अब वो वाला एग्जांपल मैं लिख दूं कि शी लिव्स इन अ विलेज, ठीक है ना। यहाँ पे इनका यूज किया है, ऑल द विलेज लिखा है, तो अगर वो वाले हिसाब से डिस्कशन करिएगा छोटे बड़े के हिसाब से, तो विलेज छोटा जगह होता है, बट उसके लिए हमने ये इन यूज किया, चूंकि विलेज यहाँ पे एज अ जेनरिक लोकेशन बात की जा रही है, हम एग्जैक्ट एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं या कंपेरेटिवली हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन अ विलेज लगाएंगे। अब एक दो एग्जाम्पल और आपको बताऊं, अगर आप किसी स्ट्रीट की बात करते हैं, किसी गली की बात करते हैं, नाम लिख करके भी अगर उस गली का नाम भी लिखते हैं तो भी जो है आपको वहां इन का यूज करेंगे आप, हालांकि वो बहुत छोटी सी जगह होती है। मान लो कि हमने लिखा शी लिव्स इन, अज्यूम करो कोई भी बी आर लेन, बी आर स्ट्रीट, कुछ भी है, ठीक है। तो शी लिव्स इन बी आर लेन, स्ट्रीट का नाम लिखा है, लेन का नाम लिखा है, रोड का नाम लिखा है, आप उसमें इन लगाएंगे वहां पे, ठीक है। अगर हमने लिखा शी लिव्स, अब यहां मैंने अगर मान लो मकान नंबर लिख दिया तो एट लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब लेन का नाम लिखा तो स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने एड्रेस लिख दिया उसका, मान लो 25 बी आर लेन, तो अब यहां पे ये एट लग जाएगा, आगे बात समझ। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि स्पेसिफिक लोकेशन एंड जेनेरिक लोकेशन का डिफरेंस क्या होगा, किस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे। तो ये जो आपका प्रीपोजिशन का यूज है वो आपका एट और इन का है। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एक अगले वीडियो में, हम लोग इससे आगे बात करेंगे, एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारे कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस का भी, कि कॉमन एरर्स में प्रीपोजिशन कैसे आएगा, हम लोग हो सकता है डिस्कस करेंगे उसी वीडियो के अंदर, तीसरा वीडियो होगा होपफुली, उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्लॉज टेस्ट में किस तरीके से हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन को, किस तरह से उसके अंदर लिखा जाता है। तो ये प्रीपोजिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी बने रहिएगा, लगातार इसको देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप
क्लासेस के लिए भी लगातार जुड़े रह सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके साथ लगातार हो रही हैं, उसके लिए भी लगातार जुड़े रहिए। इस चैनल को भी आप ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। और जो बच्चे आपके दोस्त नहीं पढ़ पा रहे हैं या क्लासेस अभी उन्होंने कहीं नहीं ज्वाइन किए किसी वजह से, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, और आगे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए। थैंक यू वेरी मच।